पाकिस्तान पॉप इंडस्ट्री के पॉप आइकॉन्स ने हमारे म्यूजिक को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिलवाई है। उनमें बैंड्स भी हैं और सोलो सिंगर्स भी। फाखिर महमूद उन चंद ट्रेंड सेटर्स में से हैं जिनका म्यूजिक हमेशा फ्रेश साउंड करता है। हारून के साथ आवाज बैंड से अपना कामयाब करियर शुरू करने वाले फाखिर अब एज सोलो सिंगर तो मशहूर हैं ही, लेकिन एज म्यूजिक प्रोड्यूसर भी उनका एक मुनफरिद मकाम है। आज ये हमारे साथ कॉन्वर्सेशन में गेस्ट हैं। फाखिर, कैसा लगा आपको जब यूट्यूब पे 35 मिलियन हिट्स आए आपके आफरीन पे? इट्स फ्लैटरिंग, लेकिन विद द नेम लाइक राहत एंड विद द कंपोजिशन लाइक जो नुसरत फतेह अली साहब ने बनाई थी एंड विद द न्यू रॉ टैलेंट ऑफ मोमिना, अच्छा था। इट वाज एक्सपेक्टेड अच्छा जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा अच्छा जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। और एक्चुअली शुरू में थोड़ी जैसे होता है गालियां भी पड़ती हैं प्रोड्यूसर्स को, म्यूजिक डायरेक्टर को कि ये क्या कर दिया इस गाने के साथ, क्लासिक गाना। आई स्टिल लाइक द ओरिजिनल, ठीक है, इट्स गुड, ठीक है, यू लाइक ओरिजिनल, कीप ऑन लाइकिंग ओरिजिनल, लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन तो चाहिए। कुछ लोग पहले कह रहे थे कि ये कव्वाली है, आप कव्वाली का जॉनरा से अनप्लग करेंगे। अच्छा, फिर मैं ये भी चाह रहा था कि टेम्पो स्लो डाउन करूं, टेम्पो भी स्लो करेंगे गाना मर जाएगा, लेकिन फिर एक्सपेरिमेंटेशन तो नहीं रहेगी ना, करना पड़ेगा। एंड फॉर्चुनेटली फॉर राहत एंड फॉर मोमिना इट वर्क्ड एंड माशाल्लाह मोमिना'स लाइफ इज चेंज्ड एवर सिंस। गॉड, वो क्या खूबसूरत आवाज है उसकी, माशाल्लाह रिचली डिजर्व्ड इट। एक चीज जो अब नोटिस में आती है फाखिर ज्यादा और ज्यादा, और प्लीज करेक्ट मी इफ आई हैव गॉट इट रॉन्ग, और मुझे नहीं समझ आ रही कि क्या है, क्योंकि जब आवाज़ आया या वाइटल साइंस आया या जुनून शुरू कर रहा था, तो एक लिटरली एक रेवोल्यूशन था पॉप म्यूजिक का पाकिस्तान में, ऑफ सॉर्ट्स। ऑल्दो इन माय ओपिनियन, सॉरी टू इंटरजेक्ट, हां नहीं, नाजिया ज़ुहैब ने तो ये और आलमगीर साहब ने, शेखी ने, वो तो दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर चुके थे, लेकिन आई थिंक वो फिर भी एक जो हर तरफ से फिर लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और आई थिंक इनकरेजमेंट भी मिल रही होगी, आई डोंट नो, बट यू वर प्रोड्यूसिंग योर ओन म्यूजिक, यू वर सिंगिंग योर ओन म्यूजिक, ऑल ऑफ यू। अब लगता है कि जैसे दोबारा जो है वो पॉप, अब इज इट कमिंग डाउन अगेन, या ये मेरी इमेजिनेशन है, क्योंकि फिल्म में जा रहे हैं ज्यादा लोग, कॉर्पोरेट शोज बहुत कर रहे हैं। देखें, उस जमाने में जब आवाज, वाइटल साइंस सब भी आए, तो इतनी पजीराई क्यों मिली? क्योंकि वो घुटन के दिन थे। इट वाज अ सॉर्ट ऑफ अ रिबेलियन, डिक्टेटरशिप खत्म हो रही थी, जियाउल हक साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, तो आफ्टर ऑल दोज इयर्स ऑफ फोर्स्ड इस्लामाइजेशन एंड व्हाट नॉट, तो वो सब चीजें घुटन के माहौल में एक, इट वाज समथिंग रिफ्रेशिंग। तो ये भी एक बहुत बड़ा एंगल है, थैंक्स टू दैट घुटन का पीरियड, कि जब ये म्यूजिक आई तो बहुत ही, वाज वेरी वेल रिसीव्ड। तो इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एंगल्स हैं, लेकिन थैंक गॉड इट हैपेंड। लेकिन ऑल सेड एंड डन, उसके बाद कुछ साल के बाद जब मुशर्रफ साहब ने कुछ अरसे के लिए इंटरनेशनल कंटेंट पे बैन एक लगाया था आफ्टर कारगिल, एक साल का, उस एक साल के अंदर पाकिस्तान की म्यूजिक 10 साल आगे चली गई थी। और जी बिल्कुल, बाय एक्सपीरियंस मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन फिर ऑब्वियसली उसके बाद आपने स्पेस अपनी पूरी कंसीड कर दी, आपने बॉलीवुड को बहुत दे दिया, तो फिर खैर ये लंबी बहस है। हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है कि फॉर एग्जांपल, अब ऑब्वियसली अल्टरनेटिव्स भी बहुत आ गए ना, पहले आपके पास म्यूजिक कंपनीज होती थी, एक प्रोड्यूसर्स होते थे, एक लेबल होता था, बट नाउ बिकॉज ऑफ सॉर्ट ऑफ what's the right technology that you can, the people are streaming their own music, so there's a lot of that red tape bhi ab zara nikal gaya industry se worldwide, to usse fayda ho raha hai ya nuksan ho raha hai artist ka? Dono ho rahe hain. Aapka pichla jo question tha wo, uska main jawab complete kar dun, ke aap keh rahi thi ki ab kya jayega pop, thoda sa aapko lag raha hai ki lekin nahi, mera nahi khayal ke aise hoga. Mujhe lagta hai ki अगर आपको जिंदगी में म्यूजिशियन आप बनना चाहते हैं, या किसी भी जॉनरा ऑफ ऑफ आर्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप आना चाहते हैं, तो इससे अच्छा टाइम नहीं है कभी भी। अगर पाकिस्तान में आपको म्यूजिशियन बनना है, या स्टूडियो टेक्नीशियन बनना है, या स्टूडियो इंजीनियर बनना है, साउंड इंजीनियर बनना है, कंपोजर बनना है, लिरिक राइटर बनना है, सिंगर बनना है, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बनना है, इससे अच्छा टाइम कभी नहीं था। अब फिल्में खुल गई हैं, अब OSTs बन रहे हैं, ड्रामों के म्यूजिक बन रहे हैं, जिंगल्स तो खैर हमेशा से थे, मैंने भी बहुत किए एक जमाने में, अब इतना कुछ खुल गया है, और सबसे बढ़ के
हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। अब लोग बहुत बड़ी बात है, हाँ जी, एक्सेप्टेबिलिटी आ गई है। जब मैंने ग्रेजुएट किया था एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो मेरे घर में एक पूरी कोल्ड वॉर, एक पूरी टिफ चली थी, मेरा I-20 सब कुछ आ गया था मेरे मास्टर्स के लिए कि अब US जाऊंगा, मास्टर्स करूंगा, लेकिन मैं उसको बैक बर्नर पर डालता रहा। आई केप्ट ऑन बाइंग टाइम एंड माय फादर वाज सो अपसेट विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन फिर कहते हैं ना, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। तो मेरा जो पहला शो वेम्बले में लंदन में हुआ आवाज का, वो देखने अम्मी अब्बू दोनों दे फ्लू डाउन टू लंदन और उन्होंने वो शो देखा, तो वो भी अपनी जगह पे है। लेकिन आज से अच्छा टाइम कभी भी नहीं था म्यूजिशियन बनने के लिए, एक्टर बनने के लिए, मॉडल बनने के लिए, कोरियोग्राफर बनने के लिए। पाकिस्तान में फिल्म खुल गई है, ये सब चीजें हो रही हैं, हमारे जहन खुल गए हैं, एक्सेप्टेबिलिटी मुआशरे में आ गई है। बस थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर और कंट्रोल हो, और थोड़ा सा फंडोइज्म कंट्रोल हो, एंड थोड़ा सा इकोनॉमिक फ्लो जो है वो थोड़ा बेहतर हो, देयर इज नो लुकिंग बैक, देयर इज नो टर्निंग बैक, ये मुल्क बहुत आगे जाएगा। इसी के साथ अब हम एक बहुत मजे का सेगमेंट करने वाले हैं फाखिर। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, ठीक है, इट विल बी ईदर ऑर, ठीक है, लेकिन आपने बगैर सोचे जवाब देना, इट हैज टू बी स्पॉन्टेनियस, ओके, ठीक है, भले लोगों से गालियां पड़े। हां हां बेशक, वो तो वो आपका बाद का मसला है आपका, डील विद इट लेटर, एग्जैक्टली। आरिफ लोहार या साईं ज़हूर? आरिफ लोहार। साबिर अफार या नदीम असद? नदीम असद। लोहरी चरगा या क्वेटा की सज्जी? लोहरी चरगा। सप्तन सोनिए या दीवाना? सप्तन सोनिए। शहजाद रॉय या अली जफर? अली जफर। हदीका कियानी या ज़ेब भंगश? ज़ेब भंगश। वाइटल साइंस या थोड़ा बायस था ना, थोड़ा, हाँ सही है, हाँ सही, क्या है, ठीक है, जायज है। वाइटल साइंस या जुनून? यार ये मुश्किल है, ये मुश्किल है ना, हाँ, ये दोनों, दोनों मुझे अलाउ मी टू से दोनों, हाँ, दोनों, ओके, दोनों का बहुत सर्विस है पाकिस्तान के लिए, हाँ, ये सही है, आई एग्री। वेम्बली अरीना या रॉयल अल्बर्ट हॉल? मैंने दोनों में परफॉर्म किया, और वेम्बली अरीना इज मोर रॉकिंग, रॉयल अल्बर्ट हैज क्लास अकूस्टिक्स, रॉयल अल्बर्ट के अकूस्टिक्स, लेकिन ठाठू जो है ना ज्यादा मजा वो वेम्बली अरीना में, अरीना में, ठीक है। ड्यूएट विद नसीबो लाल या ड्यूएट विद मोमिना मुस्तहसन? नसीबो लाल, नसीबो लाल विद द एक्साइटिंग एक्सपेरिमेंटेशन, है ना, वैसे। कंग फू पांडा या बुर्का एवेंजर? बुर्का यार मेरा दोस्त कर रहा है, हरून कर रहा है, बुर्का एवेंजर। न्यू ईयर इन बैंकॉक या न्यू ईयर इन दुबई? दोनों सक है ना, अच्छा, थैंक यू, दे बोथ ऑफुल। बैंकॉक तो मैंने, अगर फुकेट जाना हो तो मैं बैंकॉक को बाईपास करूंगा, है ना, हां, दैट्स नॉट द प्लेस, दुबई बेहतर है, चलो दुबई कर ले, चलो दुबई कर ले, ठीक है। ड्रामे का ओएसटी या फिल्म का टाइटल? मैंने फिल्म का टाइटल भी किया, शकर मंडा आसिम की फिल्म का, और ओएसटीज भी मैंने किए हैं, फिल्म का कर लेते हैं, फिल्म का कर लेते हैं, डन। न्यू वीडियो विद जामी या न्यू वीडियो विद साकिब मलिक? शफकत अमानत अली का सोलो या शफकत अमानत अली विद फ्यूजन? विद फ्यूजन। कॉन्सर्ट विद अडेल या कॉन्सर्ट विद मैडोना? मैडोना। एक्टिंग फॉर आसिम रजा या एक्टिंग फॉर शोएब मंसूर? एक्टिंग इज नॉट माय कप ऑफ टी, नॉट योर कप ऑफ टी, बहुत ऑफर्स वीडियोस में तो इतने अच्छे किए हैं, वो तो साइलेंट एक्टिंग है ना, हाँ, लेकिन इतना मुश्किल काम है एक्टिंग, ये लड़के पता नहीं कैसे कर लेते हैं। अच्छा, प्लेबैक फॉर हुमायूं सईद या प्लेबैक फॉर फवाद खान? अच्छा, वैसे हुमायूं सईद के लिए मैंने प्लेबैक किए हैं, इसके प्लेस के लिए किए हैं मैंने, I don't mind either. Humayun Sayyid is great, man. Great, yeah. But it was so funny कि हमने बैंड का नाम कैसे रखा, it was so funny कि हमने कैसे वो शुरू किया, हमने जो पहला शो किया उसमें हमें मिले 15,000 रुपए। शुरू में भी बात कर रहे थे कि ये सबसे अच्छा टाइम है म्यूजिक के लिए और म्यूजिशियंस के लिए, लेकिन एक रॉ एनर्जी जो होती है कॉन्सर्ट्स करने से,
और अब आपने नोट किया होगा थोड़े बहुत जो हो भी रहे हैं वो विदाउट लिप सिंक हो रहे हैं। Because I remember जब बहुत सारे कॉन्सर्ट्स पहले होते थे वो लिप सिंक वाले होते थे। जनाब हमने खुद किए हैं। क्यों करते थे वैसे यही समझा दें क्यों किए लिप सिंक वाली म्यूजिक? क्या बोलूं? ये हमें आदत डाली थी वाइटल साइंस ने। Really? वो लोग डैट के ऊपर किया करते थे लिप सिंक। अच्छा हम लोग भी रोहिल के पास रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो कुछ ट्रेड्स हमारे में भी आए। अच्छा हमारा ये था कि हम लोग वी वर लाइक अ वेल बॉय बैंड काइंड ऑफ थिंग तो ज्यादा फोकस होता था डांसिंग और इस पे और ये वो। हां दैट्स ट्रू डांसिंग पे बहुत करते थे आप। हारून तो फोकस हां क्या कमाल का परफॉर्मर था। तो फिर जब वो परफॉर्म करेगा तो फिर गाना तो नहीं गा सकते ना आप, यहां गाना गाएंगे आप डांस करेंगे। लेकिन मैडोना तो गाती भी और डांस भी करती है। हमें अंदर की बात नहीं पता कितना गाना होता है कितना नाच होता है कितना क्या होता है। एनीवे रियली दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा तो उसमें फिर ये था कि वो आदत वहां से हमें मैं कोई इल्जाम नहीं दे रहा हूँ। We also had a lot of fun time. तो साल दो साल तो शुरू में हमने भी मेजॉरिटी ऑफ द शोज तो हमने लिप सिंक में निकाल दिए। उसके बाद जब हम लोग आमिर जकी और गंबी और इन लोगों को हमने लेके पूरा बैंड बनाया तो वहां पे तो हमारी हालत हो गई टाइट। अब हम लंडन इधर उधर शोज कर रहे हैं उसके अंदर फिर वो जाहिर है डांसिंग चीजें कॉम्प्रोमाइज होनी शुरू हुई, बैंड में लड़ाइयां भी वहीं से स्टार्ट हो गई। मुश्किल हो गया ना जब आप आमिर जकी और गंभीर जैसे म्यूजिशियंस कर रहे हैं तो वो टप 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 तो नहीं करेंगे ना पीछे बैठ के। वो भी नहीं है लेकिन थोड़ा मुश्किल हो गया था। हम लोगों को आदत कम थी। हम करते थे लाइव ऐसे भी नहीं है लेकिन थोड़ा कम था। कुछ गाने वतन कहानी वगैरह जो थे वो निकाल दिए लिप सिंक में, बाकी कुछ गा भी दिए। लेकिन जब ऑल लाइव हम गए तो फिर तो पूरे का पूरा गाना पड़ता था। तो फिर वहां पे थोड़ी हमारी हालत टाइट हो गई। तो फिर वहीं से हमारा बैंड भी ऐसा ऐसा डिसमेंबर होने की प्रोसेस शुरू हो गई थी। वहां पे हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े भंगड़ा वाले आइकॉन्स जो थे वो भी लिप सिंक करते थे। उनमें से कुछ लोग यूएस में अब पीपल पे यू थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स तो वो बुला रहे हैं तो कुछ लोग पकड़े जाने लगे। तो फिर उसके बाद लोगों ने ये बड़ी बात निकल आई। नदीम फारूक पराचा वगैरह ने वैसे ही डैट के अगेंस्ट लिखना शुरू कर दिया था। तो मैं अपने आप को डाल रहा हूँ, हम लोग भी थे उसके अंदर। लेकिन मिड से लेके टुवर्ड्स लेट 90s लिप सिंक वगैरह बंद हो गई थी। लेकिन उसके बाद जब ये सीडी आनी शुरू हुई तो दोबारा बहुत सारे लोगों ने लिप सिंक करना शुरू किया और अभी भी बहुत सारे लोग लिप सिंक करते थे। लेकिन फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हुई मिड 2000s के बाद। रियली एक और फिल्ट्रेशन शुरू हुई। अब आपको क्वालिटी ऑफ सिंगिंग बहुत अच्छी मिलती है। लिप सिंक लोग नहीं करते एक्सेप्ट फॉर टीवी शोज। टीवी शोज में करना पड़ता है। वो नहीं है। लेकिन अब लिप सिंक आपको कोई नहीं करता हुआ मिलेगा क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं। लोग वहीं पे आपको पकड़ के तो क्या कहते हैं जो मॉब जस्टिस नहीं है वही आपको मॉब जस्टिस वही क्राउड दे देगा। तो नो मोर लिप सिंकिंग दो फेजेस में खत्म हुई थी लेट 90s में एंड मिड 2000s के बाद। अब अगर आपने ऑटो ट्यूनर लगा के स्टूडियो में अच्छी सी रिकॉर्डिंग कर भी दी जब आप स्टेज के ऊपर जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। तो फिर दो तीन शोज आप निकालेंगे उसके बाद पीपल विल स्टॉप बुकिंग यू। अच्छा आवाज कैसे बना? लाइक हारून और आपकी दोस्ती थी? दोनों गोरे गोरे हिप लुकिंग। नहीं अब रेसिस्ट बातें तो नहीं करें। नहीं नहीं आप थे। यू लुक्ड सिमिलर, यू हैड अ सिमिलर वाइब। ही इज अ वंडरफुल गाय, मेरा बहुत अच्छा दोस्त। जिसमें थोड़ा मीडिया हैड अ फील्ड है जब बैंड हमारा टूटा तो मीडिया हैड अ फील्ड है। क्यों? कि वो जाहिर है जब वो कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप खत्म होती है तो थोड़ी सी होता तो है ना कुछ। एनीवे कमिंग बैक टू द गुड ओल्ड डेज अर्ली 90s मैं उस वक्त पढ़ रहा था। हारून वापस आया था यूएस से अपनी ग्रेजुएशन करके। तो एक बैंड था मैनी मैनी इयर्स अगो व्हेन आई वाज इन स्कूल, एक बैंड था इस्लामाबाद में हमारे दोस्तों का पल्स। ओके तो पल्स में मैंने कुछ अर्सा गुजारा। अच्छा वो मैंने देन आई लेफ्ट दैट बैंड, मैंने अपना एक और बैंड फॉर्म किया। उसके बाद हारून ने भी पल्स में कुछ अर्सा गुजारा। फिर हारून और से क्विट दैट बैंड। तो हम दोनों एक्स पल्स थे। ठीक। और एक जमाने में वो भी फारिग था मैं भी फारिग था। वेकेशंस थे और हम लोग कहीं मिले। वी वर एट अ रेस्टोरेंट, वहां पे वो खाना खा रहा था, मैं भी खाना खा रहा था। वहां पे वी मेट एंड वहां पे हमारा एक स्मॉल टॉक गपशप। फिर हमने एक सेट किया एक मीटिंग और फिर हम मिले। देन वी डिसाइडेड टू फॉर्म अ बैंड। और इट वाज सो फनी कि हमने बैंड का नाम कैसे रखा। इट वाज सो फनी कि हमने कैसे वो शुरू किया। हमने जो पहला शो किया उसमें हमें मिले 15,000 रुपए। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है। हाँ बिल्कुल। तो उस वक्त डॉलर होगा 20 रुपए का, 25 रुपए का, ऐसे कुछ। तो चलो 400-500 कितने जो भी डॉलर्स के बराबर पैसे मिले। तो हमने उन सारे पैसों से
एक वीडियो शूट कर लिया सामने घर के हमारे सामने इस्लामाबाद में फ्रॉम देयर तो सामने मार्गला हिल्स हैं हम वहां पे चढ़े वहां पे हमने कैमरा वैमरा निकाला हमने जाके एक जाने मन एक वीडियो घटिया सा वीडियो हमने शूट कर लिया अच्छा मुझे याद है अदनान समी वाज आल्सो इन द नेबरहुड हमारे मोहल्ले में ही था तो उससे हमने एक सैक्सोफोन जाके बोरो कर लिया और हम क्योंकि R8 एक ड्रम मशीन होती थी हम उसके जो साउंड कार्ड्स होते थे हम एक्सचेंज किया करते थे अदनान से हम लेते थे हम उसको देते थे जो साउंड्स कार्ट्रिज में आते थे खैर टेक्निकल है तो उस जमाने में वो हम एक्सचेंज किया करते थे यूज्ड टू शेयर ऑल दोस साउंड्स एंड एवरीथिंग सिंथेसाइजर सैंपलर ड्रम मशीन तो हमने जाके एक वीडियो शूट की वीडियो शूट का बड़ा हमने तीर मार लिया जी वीडियो एडिट की पता नहीं कितने दिन लगा के वीडियो हमने एक बना ली जी 15,000 रुपए की जो जाने वाले लोग थे उनको हमने इसमें मॉडल डाल लिया ये किया वो किया अब आखिर में वीडियो बन गई अब वीडियो चलाने को तैयार ही कोई नहीं एक लंगर तो वो होता है जो मजारों पे बांटा जाता है दूसरा लंगर कौन सा होता है हम ले गए वीडियो थे राशिद ख्वाजा साहब राशिद ख्वाजा साहब ने हमें बुलाया कहते हैं उनकी जैसे आवाज है आप जानते हैं ना कहते हैं आई थिंक इट विल बी अ बैड पब्लिसिटी फॉर यू गाइस इसको नहीं चलाओ ये चलाओगे तो अगर कुछ बनना भी है तो नहीं बनोगे मैं कहा क्या करें यार किधर चलाएं इसको अच्छा जाने मन वॉज हारून कॉम्पोजिशन हारून की कॉम्पोजिशन थी वो और बीच में थोड़ा सा मेरा होता बाकी म्यूजिक मैं प्रोग्राम करता था तो उसको प्रोड्यूस किया मैंने एंड इट डिड सो वेल माशाल्लाह अच्छा अब फिर उसके फौरन बाद राशिद ख्वाजा साहब और हर सब के माइंड्स चेंज हो गए फौरन वाइटल साइंस हेल्प्ड अस टू बैग कॉन्ट्रैक्ट विद द बेवरेज ओके एंड राशिद ख्वाजा साहब वाज इन NTM उन्होंने भी इन सब लोगों ने मिल के ताहिर खान साहब इन सब लोगों ने मिल के हमें फिर एक वो Next, उस पे ले गए हमें तो there were a lot of people who should be thanked तो बस फिर there was no looking back ever since लेकिन interesting story ये है इसमें से lesson learnt कि ज़िंदगी में हार नहीं मानो कभी बिल्कुल किसी ने माना किया तो और कभी कुछ ऐसे सोच लो जो कि कभी जो possible नहीं था जो लोगों ने नहीं किया वो try करो क्या पता तुक्का लग जाए तुक्का लग गया तुक्के लगते हैं लोगों के तुक्के लगते हैं यार अच्छा एक और बात जो बहुत दिलचस्प लगती है मुझे आपके जब आप सोलो परफॉर्मर हो गए थे और आपने एल्बम्स निकाले थे अपने यू हैड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर वीडियोस तुक्का ये कि आई यूज्ड टू कॉल देम और अप्रोच देम एंड दे यूज्ड टू एग्री से यस हां तो लेकिन नॉट टू फॉरगेट उस जमाने में म्यूजिक वीडियोस वर लाइक अ नोवेल्टी एंड देन समहाउ आई वाज लकी टू हैव पीपल लाइक आसिम रजा एंड ऑल जिन लोगों ने मेरे शुरू के वीडियोस किए तो मेरा नाम जुड़ गया क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ बिकॉज़ ऑफ दोस डायरेक्टर्स नॉट बिकॉज़ ऑफ मैं कोई चीज था अल्लाह की तरफ से शुरू के 2-3 गाने स्पेन वाला वीडियो मेरा दिल ना लगे ये सारी कुछ चीजें वेंट वेल तो इसलिए वीडियोस उस जमाने में जो थी दे वर गुड एडवर्ट फॉर टैलेंट तो ऑल दोज आमना हक्स एंड ऑल दोज विनीजास एंड रेशम्स एंड ऑल दोज पीपल वेरी काइंड ऑफ देम आई रियली थैंक देम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट लेकिन उन लोगों ने किया इस काबिल समझा तो अच्छा हो गया वो भी अच्छा अब हम एक और गेम खेलेंगे दिस इज द जनरल नॉलेज गेम तो आपसे सवाल करेंगे और अगेन आपने फिर एक या दो अल्फाज सवाल का जवाब ही देना है एक लंगर तो वो होता है जो मजारों पे बांटा जाता है दूसरा लंगर कौन सा होता है आई डिडंट नो दिस वन एक्चुअली फौज में कुछ होता है नहीं पानी के जहाज का होता है लंगर ऑफ कोर्स एंकर इंटरेस्टिंग ना हाँ मैडम नूरजहां कहाँ पैदा हुई थी कसूर बिल्कुल तबला किसकी इजाद है तानसेन अमीर खुसरो अमीर खुसरो ओके बिल्कुल लपे आती है दुआ बनके तमन्ना मेरी किस शायर का कलाम है अल्लामा इकबाल पाकिस्तान का कौमी फूल कौन सा है चमेली यस 1992 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल का मैन ऑफ द मैच कौन था वसीम अकरम यस उस्ताद मोहम्मद जुम्मन किस जबान के गुलूकार थे सिंधी चॉकलेटी हीरो किस एक्टर का खिताब है
ये तो बहुत बच्चों का एलिमेंट्री एंट्री लेवल सही है। हाँ, आई एम वेरी इंप्रेस्ड। ये एंट्री लेवल ही सब ज्यादा गलत बता रहे थे। कायदे आजम के मजार में कायदे आजम के अलावा एक वजीर आजम भी दफन है, लियाकत अली खान। जी बिल्कुल। SIUT किसका एब्रीविएशन है? सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड वो, क्योंकि मैं उसके लिए डोनर मैं भी अपने आप को मैंने भी रजिस्टर करवाया हुआ है। ओके, एंड सबको करना चाहिए, डोनेट करना चाहिए। आई थिंक सो, वी विल टॉक अबाउट दैट आफ्टर दिस। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। पाकिस्तान के चार ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने 300 रन्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है, आप दो के नाम बता दें। हनीफ मोहम्मद, यूनस इंजमाम, तीन तो हो गए और एक चौथे ने भी किया है, अजहर अली ने। हाँ। फिल्म नामालूम अफराद के डायरेक्टर का नाम बताइए। नबील कुरैशी। आपको वाटर कूलर मिलेगा फाखिर, सारे सही जवाब दे रहे हैं आप। पाकिस्तान के कौमी तराने के शायर का नाम बताइए। हफीज जालंधरी। बिल्कुल। शहनशाह गजल किस सिंगर को? मेहदी हसन साहब। बिल्कुल। एम ए जिन्हा रोड का पुराना नाम बंदर क्या है? रोड। पंजाबी फिल्म मजाजन के हीरो हीरोइन का नाम बताइए। शुक्र शुक्र। हाँ, आदर मोहम्मद और शान। शान, यस। एहतिसाब किस मशहूर बैंड के एल्बम का नाम है? आपको पता है, आप शायद वाहिद हैं जिन्होंने सारे जवाब सही। लंगर रायकुंड। हाँ, लंगर सही है, लेकिन चलो वो काफी कंफ्यूजिंग सा था वैसे। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कैसा फील हुआ आपको? वेरी नाइस। आई वाज इन न्यूयॉर्क फॉर सम शोज, तो मुझे मैसेजेस आने शुरू हुए 2006 में। अनाउंस हुआ 2007 की मार्च 23 को, फिर मुझे मिला। तो उसी जमाने में मेरे पास इतने सारे मैसेजेस आया, थॉट कि फखरे आलम को मिला होगा, क्योंकि मैं तो क्योंकि रिसेंटली अर्थक्वेक में उन्होंने काफी काम किया था। तो 2005 अक्टूबर एग्जैक्टली। हां, तो 2006 में, क्योंकि ना मैं कोई जाता हूं सरकारी लोगों के साथ कोई जाके, होता है ना कुछ ना, मैं मुझे इतना सोशलाइज करने का शौक है। तो फिर बाद में मुझे कुछ लोगों ने वो लिंक भेजा कि आप जाके चेक करें इस पे आपका नाम। अच्छा, गुड यार। फिर मैं वापस आया तो कंफर्म किया, पता चला। फिर 23 मार्च को उन्होंने पैसे भी दिए, प्रेसिडेंट ने मुझे वो भी पहनाया इस्लामाबाद में। तो फेल्ट ग्रेट कि स्टेट जो है वो क्वाइटली देख रही होती है कि आप जो काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करती है। तो मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ कि एक लोग ऐसे नहीं है कि लोग चुप हैं, वो अप्रिशिएट करते हैं आपको। और खामोशी से जो अपना काम कर रहा है उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि आप छलांगे मार के जाएं और ब्यूरोक्रेसी से मिलें और ये और वो। तो मैंने कोई जाके उन लोगों के लिए कुछ, जैसे कहते हैं ना फ्री परफॉर्मेंसेस और ये और वो, मैंने कुछ नहीं किया, स्टेट ने खुद एक्नॉलेज किया। एंड आई सैल्यूट स्टेट ऑफ पाकिस्तान फॉर दैट। या आई थिंक दैट्स अमेजिंग। खिड़की में आओ अब्बास छुप के, के तुम्हारे अब्बा ने जो देख लिया तो कुट लगेगी। कभी फील होता है एज अ म्यूजिशियन हर यू नो के वो आप सैचुरेट हो गए हैं? जैसे एल्बम आपके निकले, दे वर वेरी सक्सेसफुल, डू यू फील अ कंपटीशन विद इन योरसेल्फ? लाइक यू नो, जैसे राइटर्स के साथ होता है दैट दे गेट अ ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक, डू सिंगर्स गेट दैट, म्यूजिशियंस गेट दैट? दैट हैपेंस ऑल द टाइम एंड यू हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। मैं आपको एक मिसाल दूंगा। अच्छा, पहले आप एक सवाल कर रही थी जो कि मैं भूल गया जवाब देना, कि अब एल्बम्स और ये और वो, अब थोड़ा बिजनेस डायनामिक्स एंड बिजनेस मॉडल जो है म्यूजिक का, वो पूरी दुनिया में चेंज हो गया है, अक्सर तब्दील हो गया। पहले आप एक एल्बम पे मेहनत करते थे, साल डेढ़ साल लगाते थे, फिर वो आता था, फिर आप हर दो महीने बाद एक वीडियो निकालते थे तो एक नया गाना आ जाता था। अब म्यूजिक फ्री डाउनलोड्स और पायरेसी के बाद आपकी एल्बम के अंदर 50 गाने हों या 20 गाने हों या 10 गाने हों, 5 मिनट में लोगों ने डाउनलोड कर दी तो पूरी पुरानी हो गई। इसलिए अब बिजनेस डायनामिक्स चेंज हो गए हैं। अच्छा, अब आपको जो कॉम्पनसेशन, जो रिनोमरेशन होती थी एल्बम्स की, अब वो भी नहीं है। 3 महीने बाद एक, 4 महीने बाद सिंगल निकालें, अच्छे से वीडियो बनाएं, चलो दैट्स गुड। अब पूरी पूरी एल्बम करने का रिवाज खत्म हो गया है पूरी दुनिया में। डिजिटल पायरेसी के बाद लोगों को, आर्टिस्ट को पैसे नहीं मिल रहे अब, तो बिजनेस मॉडल को नया ढूंढना पड़ेगा लोगों को। वन एंड काफी कुछ चेंज हुआ है। हाँ, बहुत चेंज हुआ है। और जहां तक आप कह रहे हैं राइटर्स ब्लॉक, वो ऑल द टाइम होता है। मुझे याद है कि एक बेवरेज कंपनी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट था और अगस्त 14 आ रही थी और हमें गाना बनाना था। तो हम लगे हुए थे, मैं अपने स्टूडियो में बैठ के काम कर रहा था, हम गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे कमरे में,
हारून बैठा हुआ गिटार के ऊपर लगा हुआ था, कुछ हो जाए हो जाए, सुबह से लेके रात हो गई, फिर अचानक मेरे जहन में एक मेलेडी आई गई, यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दैट ब्लॉक. अच्छा एक डेडलाइन जो होती है कभी कभार वो भी कर जाती है काम. बिल्कुल. अच्छा खैर आई केम अप विद द मेलेडी. मैंने हारून को बुलाया कि आजा यार आजा, ए माइनर के ऊपर करते हैं. फिर मैंने पूरी मेलेडी बना के फिर हमने नदीमुल हसन आर्किटेक्ट हैं उनको बुलाया, फिर उन्होंने आके इसके ऊपर लिखा. तो वो मैंने पूरी कॉम्पोजिशन 6 घंटे लगा रहा अकेले बैठ के मैंने बनाई, लेकिन उसमें से निकला क्या, ए जमा. तो कभी तो कभी कभार आपके इस राइटर्स ब्लॉक के अंदर से भी यू हैव टू फाइट इट आउट, तो कुछ ना कुछ निकल ही आता है. लेकिन कभी कभार बहुत ही बकवास चीजें भी निकलती हैं जो कि आप फॉरेन डंप कर देते हैं. लेकिन कभी कभार वो भी बहुत बड़ी हिट हो जाती हैं भाई, बकवास. यार हमारे साथ तो नहीं हुआ कभी. कभी नहीं. कभी कभार हम तो अच्छी चीज भी निकालते हैं वो भी फारिग हो जाती है, और कभी कभार अच्छी चीज चली जाती है. लेकिन बिलो एवरेज चीज आप निकालते ही नहीं हो, आप कोशिश करते हो ना ही निकालो. हां ना हो, लोगों के साथ हो जाता है, लकी, गुड फॉर देम. फारिग, व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? I love composing. Studio के अंदर जो मजा आता है ना, you have all your machines and your gizmos and your toys and your सारे आपके softwares और आपके sounds और आप बैठ के piano बजा रहे हैं, compose कर रहे हैं. It's just too much fun, यार. That's a different world out there. Yeah. लेकिन फिर जब आप stage के ऊपर गाते हैं और अगर आपको अच्छी audience मिल जाए, अच्छा साउंड सिस्टम मिल जाए, अच्छे म्यूजिशियन मिल जाए, उसका भी एक नशा है यार. यहाँ पे बीच में सुनने को भी आ रहा था कि अ लॉट ऑफ यू नो द ओल्डर फैमिलीज जिनके म्यूजिशियंस आ रहे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, दे आर नॉट गेटिंग मच अपॉर्चुनिटीज नाउ और इट्स डाइंग अवे. इज देयर ट्रूथ इन दैट या नहीं? नो, नो. नहीं, पाकिस्तान में एज आई सेड कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी बड़ी ऑडियंस है, हर जॉनर ऑफ म्यूजिक को सुनने और अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं. घरानों के जो सिंगर्स हैं, बल्कि उन्होंने तो अपने आप को रीपैकेज किया है. लुक एट पीपल लाइक शफकत अमानत अली, लुक एट पीपल लाइक अमानत अली, दे आर इमेंसली टैलेंटेड, दे हैव ऑल द वेल्थ ऑफ नॉलेज ऑफ देयर फैमिलीज. उनका फैमिली का क्राफ्ट है दैट्स बिहाइंड देम. एंड फिर उसके बाद उन लोगों ने अपने आप को रीपैकेज किया, रीमॉडल किया है, अपनी स्टाइलाइजेशन उन्होंने पूरी की है. तो वो लोग तो दे गिव अ टफ टाइम टू यपीज लाइक अली जफर्स एंड ऑल. तो कोई यहाँ पे फारिग नहीं बैठा हुआ. नो बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सिंगर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक द सारंगी प्लेयर्स. सबके पास काम है, बांसुरी प्लेयर्स, सब लोग स्टूडियो में बिजी हैं, सब लोग लाइव परफॉर्मेंसेस में दुनिया भर ट्रैवल कर रहे हैं. जैसा कि मैंने पहले कहा, मेरे ख्याल में, आई कुड बी रॉन्ग, म्यूजिशियन बनने के लिए या म्यूजिक रिलेटेड किसी फील्ड में जाने के लिए इससे अच्छा टाइम कभी पहले था ही नहीं. अच्छा, आई एम गोइंग टू आस्क यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज. अगर बहुत से नौजवान देख रहे हो, फॉर एग्जांपल उनको शौक हो किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने का या गाने का, क्या तरीका है जो सबसे अच्छा तरीका है? जैसे सीखें पहले या सुने ज्यादा? कुछ लोग कहते हैं, जैसे गंभी कहता है मेरी बेटी को ड्रमिंग का शौक है, तो गंभी ने कहा अभी कुछ नहीं सिखाओ, इसको बस सुनाओ. सीरियसली, ये बिल्कुल ठीक कहता है गंभी. जो आप बचपन में फॉर्मेटिव ईयर्स में जो आप सुनते हैं, जिंदगी भर आप वही निकालते हैं. अब हम लोगों ने बचपन में सुना बैंड्स लाइक फ्लॉयड, बीटल्स, एबा, बोनियम. देयर इज नो शेम इन सेइंग दैट. नो, लेट्स एप्लाई. एबा से ज्यादा मेलोडियस कोई बैंड ही नहीं था. मेहदी हसन साहब, नाहिद अख्तर, अहमद रुश्दी साहब, रफी, निसार बज़मी एंड ताफू, एंड ये सब चीजें जब पूरा अंदर जाके जब जमा हो गया, तो फिर उस मर्तबान को आप ऐसे से करें तो उसमें से हर वक्त. अब इसका फायदा क्या है कि अब जब मैं कंपोज करता हूं तो मैं किसी भी किस्म की कंपोजिशन कर लेता हूं मैं. चले अच्छी बुरी एक अलग बात है, या कितनी कामयाब हुई या नहीं हुई. लेकिन बचपन में आप अपने बच्चों को हर चीज सुनाएं, हर चीज सुनाएं. मेरी बेटी शी इज 6 माशाल्लाह, लेकिन शुरू से ही वो देख रही है कि घर में मैं भी आई एम ऑल द टाइम ऑन माय कीबोर्ड कंपोजिंग और ये और वो. यार वो शी कम्स अप विद ट्यून्स हरसेल्फ, वो खुद ट्यून्स बनाती है. क्यूट. लेकिन कहते डैडी आई हैव मेड अ ट्यून. तो वो जो कि मेरा काम ये है कि मेरी प्रैक्टिस ये है कि ईच टाइम आई कम अप विद अ कंपोजिशन, इवन इफ आई एम इन अ फ्लाइट और ड्राइविंग और समथिंग, तो मैं फौरन फोन का वो डिजिटल रिकॉर्डर निकाल के उसमें वो रिकॉर्ड कर सेव कर लेता हूं. तो वो अब मेरे पास आके कहती है आई हैव मेड अ ट्यून, प्लीज रिकॉर्ड मी.
तो मैं फिर इसको रिकॉर्ड करता हूँ कि अच्छा ठीक है, तो मैं फिर इसको प्रॉमिस करता हूँ कि वन डे आई एम गोइंग टू मेक अ सॉन्ग विद यू और ये और वो, वैसे अब मुझे कर ही देना चाहिए। आई थिंक सो, ऑफ कोर्स। अच्छा, अब हम एक और सेगमेंट करेंगे जी। आपको जो है लाइंस कंपोज करनी है, मैं आपको एक जुमला दूंगी। अच्छा, और इसके इर्द गिर्द गैस, हाँ, और आपको दो तीन जुमले कंपोज करने हैं, ठीक है? As in like melody? As in melody करनी है, ठीक है? Lines to compose on the spot. दिल में जो बातें हैं कहनी हैं तुमसे। मैं अपने कीबोर्ड का सहारा ले लूं? हाँ 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 बिल्कुल। फोन में है कीबोर्ड? भाई टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और मैं कहाँ। और देखें जरा, पियानो भी है खूबसूरत, स्टाइनबेक है ये देखें। हाँ, दिल में जो बातें हैं कहनी वो तुमसे हैं, ओ सोनिया, ओ सोनिया। Oh my God, it's never happened to me before. This is a first. अच्छा, अगला दो। एक और भी है? हाँ हाँ, दो तीन हैं। चलें बताएं। खिड़की में आओ अब्बा से छुपके। बस ये शेर तो पूरा करें। भाई यही है, एक एक, एक लाइन के शेर, दो दो लाइन के शेर लिखे हुए। खिड़की में आओ अब्बा से छुपके, खिड़की में आओ अब्बा से छुप के, तुम्हारे अब्बा ने जो देख लिया तो कुट लगेगी। गुड वन, ओके। क्या थी? खिड़की में आओ। हाँ जी, डर्टी है दुनिया इससे करना। हाँ, मुफ्त में आज आपको मिल गया बंदा। लेकिन मजा आ रहा है वैसे, यू आर अमेजिंग वैसे, द वे यू आर जस्ट कमिंग अप विद देम, माय गॉड। डर्टी है दुनिया इससे क्या डरना, डर्टी है दुनिया इससे क्या डरना, डर्टी है दुनिया इससे क्या डरना। आगे क्या था? जिंदगी तो कूल है बाकी सब कुछ फूल है। जिंदगी तो कूल है बाकी सब कुछ फूल है, बस आगे क्या? डरा 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 ना, डर्टी है दुनिया, व्हाटएवर, पता नहीं क्या। ये तो बहुत ही कुछ फनी था वैसे, डर्टी बकवास था काफी। हाँ, ये क्या, लेकिन वैसे हु नोस, इट मे वर्क, इट मे वर्क। अपने एल्बम से आपका कौन सा, आपका एक्चुअली अपना फेवरेट गाना कौन सा है? मेरे बहुत सारे हैं। नहीं, एक बताएं मुझे। अच्छा, जो सबसे ज्यादा आप फील करते हैं कि इट्स अबाउट यू, इट जस्ट पुल्स अ स्ट्रिंग। काश हम जुदा ना होते, कभी अलविदा ना कहते, so on so forth। That's your favorite? मुझे बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। Like it. अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप एक कोई ट्रिब्यूट गा सकते हैं टू अनदर आर्टिस्ट, सज्जाद अली या वाइटल साइंस या नुसरत फतेह अली खान या जुनून, एनी ट्रिब्यूट टू। एतबार भी आ ही जाएगा, चुना ना 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 ना, मिल ही जाएगा, so on so forth। Yeah, काश के मेरे पास वो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होता तो आई वुड प्ले इट फॉर यू। डज दैट रियली हेल्प यू, डू यू नीड योर कीबोर्ड? मजा आता है इसके बगैर, यू फील के यू आर नॉट कंप्लीट। देखिए, हम मेहदी हसन या तानसेन तो है नहीं यार, हमने कभी क्लेम भी नहीं किया, तो हम जो गाते हैं इसमें थोड़ा सा अगर साथ मिल जाए इंस्ट्रूमेंट का तो जरा मजा आता है। It just kind of feels more. Feel with it. With it. इसी के साथ हम तो बातें करते रहेंगे फाखिर, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे थे, और उसी के साथ बाय बाय। आप भी बाय बाय कह दें। What a sudden bye bye. हाँ, it's a sudden bye bye. It's a sudden hello. Sudden hello and a sudden bye bye. Yeah.